महारानी सुनती, महारानी सुनती जी महाराज, आज इस अवस्था में तुम आसन पाटी लेकर के इस रंग मेलों में पड़ गई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या बुढ़ापे की अवस्था है? कोई हरी बीमारी है, कोई सर्दी जुकाम? महाराज हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि बुढ़ापे की अवस्था है। कोई हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, कोई हारी बीमारी और सर दर्द, पैर दर्द तो महाराज होते ही रहे, और आज तो गर्मी भी कुछ ज्यादा ही है। अच्छा हाँ, आखिरकार इन रंग मेलों में आसन पाटी लेकर के धरती में लेटना इसका कारण जान सकता हूँ? महाराज जान तो सकते हो, और आपका हक भी पूरा पूरा है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट होती है आपसे कहने में कि कहूं या ना कहूं। कि मन का भेद बता दे रानी, कि मन का भेद बता दे रानी, मुझे से भरतार की धरती के न लेट गई क्यों तारे हार श्रृंगार। आज तो सारे हार श्रृंगार भी तार रखे हैं, मैं जान सकता हूं अब तुम्हारे मन का भेद? क्या मैं जान सकता हूं क्यों आसन पाटी लेकर के पड़ी, क्यों हार श्रृंगार तुमने अपने सभी उतार करके रख दिए? क्या बात है महाराज, बिल्कुल जान सकते हो। अच्छा आप एक बात बताइए कि हमारी जो कोई कोई गलत सपना आया या कोई उठते सोन कुसोन हुआ, इसका कारण क्या है? ना तो महाराज कोई सपना आया, ना कोई सोन कुसोन हुआ। अच्छा पर आप ये बताइए कि हमारी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं? शादी को हाँ, शादी को 70 साल हो ली। और आपकी उम्र कितनी होगी? 90 साल। 90 साल। और ब्याह को हो गए 70 साल? ब्याह में हो गए 70 साल। तो पिया जी, जिस दिन से तेरे इस घर में आई हूँ ना, जिस समय शादी हुई थी उस समय मेरी अवस्था 20 साल की थी। हाँ, और तेरी अवस्था होगी कोई 12-14 साल की? जी महाराज बिल्कुल। इतनी होगी या छुपाए बैठी है? ना इतनी होगी बस। ना आजकल औरत अपनी उम्र बड़ी छुपावे? ना महाराज, 35 की भी जो कह मैं तभी 24 में चली हूँ। पर महाराज हाँ, जब मेरी शादी हुई थी जब तो मैं ऐसी थी बस, हकीकत में 14-15 की बस। अच्छा हाँ, तो बताओ क्या पूछना चाहती हो? 70 साल शादी को हो गए महाराज, जिस दिन से शादी हुई है, जिस दिन से आपके साथ साथ फेरे लिए हैं, हाँ, जिस दिन से आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई है। अच्छा, उसी दिन से अपने पियर नहीं गई महाराज। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ आज पियर जाने का। ओ, ओ बुढ़ी रंग डट जा, क्यों जब जाने लायक उम्र थी? महाराज मेरी बात सुनो पहले। शास्त्री जी, जब पीहर जाने लायक उम्र थी जब, तो पीहर ना गई, और देख बुढ़ापे में रांड कैसी बिगड़ गई। ओ पीहर जागी। दादा जब मेरी जवान उम्र थी जब, तो महाराज ने पीहर ना जान दी मैं, अब बुढ़ापा आ गया तो अब तो जान दे कम से कम। तुझे यूं पता है कि शर्मानी चाहिए महाराज, इतने दिन हो गए पीहर जाए। दादी जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या पीहर जाने का मन नहीं करता? करता है ना। तो महाराज मैं भी अपने पियर जाऊंगी आज। तू तो अपने पियर चली जाएगी। हाँ, मैं अपने पियर करे तो जाऊं, मैं करे जाके मरूं बता? अपने पियर ना, तेरा तो पियर है कि मैं पियर चली जाऊं। और मैं महाराज अगर आपको इतना ही वो है तो आप मेरे साथ चलिए। कहां? मेरे पियर अपने ससुराल। मैं 70 साल अपने ससुराल में रही हूँ, 10-15 दिन आप भी अपने ससुराल में रहो। पागल हो रही है, बिना बुलाए तो मैं पड़ोसियों के भी ना जाऊं, तो ससुराल की बात करे तो महाराज मेरा बहुत मन है अपने। कि जो कहते हैं कि जहाँ आप भाव सम्मान नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं होता, कि जहाँ आप भाव सम्मान नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं होता, जहाँ मिले मिठाई पड़े झूठ वहाँ खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, और जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता। बिना बुलाए आदमी की कोई कदर नहीं होया करती। पर महाराज हाँ, मेरा तो पीहर है, आप नहीं जा सकते, मैं तो जा सकती हूँ, मानूंगी तो, नहीं आज मैं तो चली जाएगी, फिर मेरा जी कैसे लगेगा? अरे मने कौन भोजन देगा, मने कौन नवावेगा, हाँ, मने कौन खवावेगा, हाँ, मने कौन सुवावेगा, हाँ, मेरे कौन पांदावेगा, इस बुढ़ापे में बता मेरी कौन सेवा करेगा? एक तू ही तो
बस जो सेवा करे और तू भी जो कह रही है रांड पी हर जाऊं। महाराज देख रांड वांड तो कहिए मत ना, कई बार कह दिए। इतनी सारी दासियां छोड़ रखी हैं आपकी सेवा में। ये दासी अपने अपने कक्ष में घुस जाएंगे, दिन छिप गई। महाराज अगर आप कहेंगे तो एक भी ना घुसे, सारी सारी आपके पास। ना ना, ये सारी दासी अपने अपने दासाओं के पास पाऊंगी रात ना। मैं अकेला पड़ा रहूंगा, कर रहूंगा खाट में पड़ा पड़े। पर महाराज आज तो मैं जाऊंगी। कहे क्या कहना चाहती है? सुनिए, सुनाइए। ऐसा लगे जो 70 साल में भी ना हुए। इब तो आज भी मत ना करिए ना महाराज, आज तो मुझे है, है? भगवान भली करे तो बालक जरूर होंगे महाराज बुढ़ापे में। ओ और रुक जा बुढ़िया। देख लिए तेरे आगे।
लेकिन बुढ़िया जागी। हाँ महाराज जाऊंगी। माने ना? ना महाराज। मेरी रोटी कौन बनाओगा? ये दासी बनाएगी। कौन सी बनाओगी बता? जौन सी से आप बनवाओगे आप? हाँ बरवा। रोटी बना दोगी ना? हाँ बना देंगी। हाँ बना देंगे। बताओ। बना देगी? हाँ। मेरे लत्ता कपड़ा? सब काम कर देंगे। मने नवा देगी? नवा दूसरी रानी देवेगी। मने लत्ता परा देगी? हाँ लत्ता दूसरी परा देगी। और पूरी रात मेरे कक्ष में रहना पड़ेगा? महाराज कक्ष में क्या करोगे? बोल देंगे। अरे रात ने कोई खांसी उठ जाए कोई पानी पत्ता चाहिए। कैसे तेरा तारुआ सुरसुलाना पड़ेगा? नहीं बुढ़ापे बुढ़िया तो न्यूना बेरा 90 साल की उम्र है मेरी। गर्मी ज्यादा हो रही। रात ने पानी मांगू तो जब तू देती नहीं है तो महाराज कोई बात ना कोटा इकट्ठा कर लीजिए ऊंट की तरह। ना 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 इंतजाम कर।